देखिए ये आपके सामने क्या है, ये है एक 5 किलोवाट का सोलर प्लांट, एक ऑन ग्रिड सोलर प्लांट जो कि हमने टीशर्ट के आगे लगाया हुआ है। उससे पहले स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मार्स लाइट इंडिया पे, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऐसे आने वाले नए नए वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन का लाभ उठाते रहें। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस प्लांट के बारे में बताऊँगा। दोस्तों ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो सोलर प्लांट का हम लोगों ने लगाया है। ये उन घरों के लिए उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है इसको, जहाँ पर जगह बहुत कम होती है, जैसे कि शहर में आपके छोटे छोटे मकान होते हैं और आपको वहाँ पे सोलर प्लांट लगाना है, आपके पास छत पे उतनी स्पेस नहीं है क्योंकि आपको एक टीनशेड भी चाहिए छत पे, तो ये प्लांट उसी टीनशेड के ऊपर या उसी टीनशेड को रिप्लेस करके आप लगा सकते हैं और अपने घर की उस यूटिलाइजेबल स्पेस पे एक और तरीके से आप यूज़ करके इसको बिजली को जनरेट कर सकते हैं। अब ये 5 किलोवाट का प्लांट आपके बिजली के बिल पे क्या असर डालता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके घर में एक एसी समरसेबल और कुछ लोड है, आपके घर का लोड अगर 5 किलोवाट का है और आपका तो अप्रॉक्स आपका बिल 5 से 7 हज़ार आता होगा गर्मियों में और जाड़ों में आता होगा 2,500, तो आपका गर्मी का बिल इस 5 किलोवाट के प्लांट के साथ मात्र 1,000 रुपये के अंदर आ जाएगा और जाड़े में आप सरप्लस बिजली सरकार को बेचोगे, जिससे कि आपको गर्मी में जो 1,000 रुपये का डिफरेंस देना पड़ रहा था अगले ईयर से वो भी नहीं देना पड़ेगा। और 5 साल अगर आप मान लीजिए EMI पे भी इसको लगाते हैं पर्सनल लोन देके, तो मात्र 5 साल आपको EMI भरनी होगी, लगभग 4 से 5 साल, उसके बाद ज़िंदगी भर बिजली के बिल से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और ये देखिए हमने स्पेस का यूटिलाइजेशन कैसे किया है, आप इस शेड के नीचे अपना सामान रख सकते हैं जो बारिश से ख़राब ना, और ऊपर आपकी बिजली बन रही है, नीचे आपका सामान भी रखा हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सोलर प्लांट, ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। और अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए हो या आपको प्लांट इंस्टॉल कराना हो तो भी आप हमें दिए गए नंबर्स पर ऑर्डर कर सकते हैं, और इस वीडियो के बारे में अपने फीडबैक भी हमें देना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।